और डिस्ट्रिक्ट स्नेह के ताइक्वांडो के जो एसोसिएशन है, मैडम यहाँ पर है, एसएमसी कमिश्नर साहब यहाँ पर, मैं दोनों को मुबारकबाद देता हूँ। दोनों बहुत अच्छे एक इनिशिएटिव लिए है, ये चल रहा है, ये स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा है, ये इससे यूथ को और आगे बढ़ने का और उसके ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करने का मौका मिलेगा और टीम वर्क में काम करने का फायदा मिलता है। वो उसको लाइफ के हर एक मौके पर, चाहे स्टडी में हो, चाहे आगे स्पोर्ट्स में हो, चाहे लाइफ में कोई किसी फील्ड में जाए, टीम स्पिरिट से काम करने की भावना उसमें फीलिंग पैदा करेगा, जो सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए अच्छी बात है। सर, आपको लगता है कि ऐसे इवेंट कराना चाहिए, किसने कहा मिलिटेंसी की ग्राफ घट रहा है, बढ़ रहा है, टेररिज्म घट रहा है, और ये तो अलग चीज़ है, उसके लिए सिक्योरिटी फोर्स अपना आप कहें पुलिस है फाइट करी, ये अच्छा चीज़ है, ये ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी है कि पहले भी टेररिज्म के पहले भी होता था, हर एक जगह होता है, ये अलग एस्पेक्ट है, लेकिन इसका इम्पैक्ट पर्सनैलिटी डेवलप में यूथ के बहुत आगे होता है, चाहे लाइफ के किसी फील्ड में आप जाएँ, जर्नलिज्म में भी जाएगा, लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप उसमें है तो अच्छा काम, बेहतर नागरिक बनेगा। सर, इज जेकेपी गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस काइंड ऑफ इवेंट्स इन नियर फ्यूचर? बिल्कुल करेंगे, हम लोग भी करेंगे, और थोड़ा सा कोविड से घट रहा है और इंशाल्लाह अगले मंथ से होगा। सर, जो यंगस्टर्स ड्रग में इन्वॉल्व है उनके लिए सपोर्ट्स कितना अच्छा रहेगा? हम लोग ब्लूप्रिंट बना लिए हैं और ड्रग्स के लिए हम लोग हैवी हैंड जाएंगे अगले महीने से, इसी महीने लास्ट से ड्रग्स पर काफ़ी एक्शन लेंगे, और उसमें जो बहुत सारे खबर आ रहा है कि यूथ भी इन्वॉल्व है उसमें, ड्रग्स लड़कियाँ भी ड्रग्स ले रही है, ये सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। हम लोग इसमें आप लोगों से सहयोग मांगेंगे, पेरेंट्स से असिस्टेंट मांगेंगे, हमको भी बताए थोड़ा सा, सब मिलजुल काम करेंगे, इस मामला से हम लोग ऊपर उठाएंगे हम लोग। तो जिस प्लेयर में अटैक हुआ है उसके बारे में एक सवाल पूछना चाहिए, जो नया हिट एंड रन ग्रुप एक्टिव हुआ है श्रीनगर के अंदर, क्योंकि जो प्रीवियस अटैक ग्रुप्स थे वो तो न्यूट्रलाइज कर दिए गए थे, लेकिन तुम्हारा देखिए लास्ट ईयर अगस्त में हम लोग बोले थे श्रीनगर में जीरो टेरिस्ट है, ठीक है ना, फिर सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक में जब अब्बास से कुलगांव डिस्ट्रिक्ट से यहाँ शिफ्ट किया था, तो सबसे पहले साकिब मंजिल को एक्टिव किया था, उसके अलावा 7 टेरिस्ट और ज्वाइन किए थे, जिसमें से 5 मारे गए, 3 और है, सबको हम सबको पता है, और 10-15 OGW है, तो उसके मतलब पीछे काम कर रहे हैं, उसको भी जल्दी हम लोग या तो अरेस्ट कर लेंगे या इनकाउंटर में मारा जाएगा, इसमें घबराने की बात नहीं है, इसको हम लोग देख रहे हैं। कोई हीट एंड रन ऐसा नहीं है कि आप देखें कि ढंग से कवाडिस एक्ट किया गया था, पीछे से कोई जा रहा है पीछे से फायर करके भाग गया, चाहे वहाँ पर भागत में चाहे पेरा पुलिस वाले पीछे से फायर किए, दोनों ये कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए, उनको सर मना चाहिए, ऐसे अटैक नहीं करना चाहिए। सर, दिन ब दिन हम देख रहे हैं ग्रेनेड अटैक ही परसों हुआ छानपुरा में, फिर खानियर में अटैक हुआ परसों, और कल शाम को मोछुआ में भी एक ग्रेनेड लगा गया जो हटा नहीं सर। मैं अभी दिल्ली से आया, मैं 3 दिन के लिए बाहर गया था उस काम से, मैं उस देख रहा हूँ उसमें क्या है। नंबर ऑफ बुलेटिन अभी 4 है।